राधे राधे जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रदोष काल में की गई भगवान शिव की पूजा मनुष्य को कई गुना ज़्यादा फलदायी होती है। प्रदोष व्रत और प्रदोष काल की पूजा का आपस में बहुत अधिक गहरा संबंध है। कहा जाता है यदि प्रदोष काल में भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा उपासना की जाए विधि विधान से तो धन की कोई कमी नहीं रहती, साथ ही संतान की कमी नहीं रहती है, घर में जिस प्रकार का भी कष्ट होता है सभी दूर होता है। राधे राधे जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के विषय में। पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन जो मनुष्य व्रत रखते हैं और विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, कहा जाता है इस व्रत को करने से भगवान शिव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सुख शांति व समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो आज की वीडियो में हम प्रदोष व्रत से संबंधित बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माघ का महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि माघ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत किस दिन है, किस तारीख को है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति नियम और निष्ठा से प्रत्येक प्रदोष का व्रत रखता है उसके कष्टों का नाश होता है। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष काल में की गई भगवान शिव की पूजा कई गुना ज़्यादा फलदायी होती है। अब हम बात करेंगे कि फरवरी माह के प्रदोष का जो व्रत है वो किस दिन है। फरवरी का दूसरा प्रदोष व्रत 21 फरवरी 2024 दिन बुधवार को है। जब त्रयोदशी तिथि बुधवार को होती है तो उसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन व्रत रखकर पूजा करने से शिव जी के साथ भगवान गणेश की भी कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत के दिन शिव परिवार की पूजा करना चाहिए, इससे हमें कई फलों की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 21 फरवरी 2024 को 11:27 पर प्रारंभ हो रही है। इसका समापन 22 फरवरी 2024 को 1:21 पर होगा। शिव पूजा का समय क्या है, आइए जानते हैं। प्रदोष काल में प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ की पूजा का समय क्या है, तो प्रदोष पूजा का समय है शाम को 6:15 से 8:47 तक। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रदोष पूजा का समय है 6:15 से 8:47 तक 21 फरवरी दिन बुधवार को। अब हम बात करते हैं कि प्रदोष व्रत हमें किस प्रकार से करना चाहिए। प्रदोष व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना अनिवार्य होता है। यदि आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो अलग बात है, नहीं तो हर किसी को जो भी व्रत रखे उसे ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। सबसे पहले उठकर साफ़ सफाई करके स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद पावन प्रदोष व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान शिव की उनके परिवार सहित पूजा करनी चाहिए। सुबह पूजा करने के पश्चात दिन भर भगवान शिव का नाम का जाप करना चाहिए। आप मन ही मन उठते बैठते चलते फिरते काम करते भगवान शिव के नाम का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी आपको आसान लगे, कुछ नहीं तो शिव 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 भी कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप भगवान के नाम का पूरे दिन जाप करते रहिए। सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की
विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के पश्चात प्रदोष व्रत की कथा सुने। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य के द्वारा की गई सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत वाले दिन भगवान शिव जी की पूजा में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं उस समय भी हमें ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करना चाहिए। भगवान शिव का हमें गंगा जल से, शुद्ध जल से, दूध से, दही से, शहद, घी, शक्कर इत्यादि चीज़ों से अभिषेक करना चाहिए। आप चाहें तो पंचामृत बनाकर भी अभिषेक कर सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, हम दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, शक्कर चढ़ाते हैं, उसके बाद हमें भगवान को जल से अभिषेक करके उनका श्रृंगार करना चाहिए। जब हम शिवलिंग पर भगवान का अभिषेक करते हैं तो उनका अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से उनका अभिषेक करके उसके बाद हमें भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार अवश्य ही करना चाहिए। श्रृंगार का तात्पर्य क्या है? कहने का अर्थ है कि जैसे चंदन का लेप करना, त्रिपुंड बना सकते हैं, त्रिपुंड बनाना चाहिए, उसके बाद अबीर, गुलाल भगवान को चढ़ाना चाहिए, अभ्रक आता है, बहुत सुंदर श्रृंगार होता है भगवान भोलेनाथ का, अभ्रक, भस्म इत्यादि चढ़ाना चाहिए। कुछ मीठा है तो मीठा तो अवश्य ही होना चाहिए। कुछ नहीं है तो आप मिश्री का, आप चीनी का प्रयोग भी कर सकते हैं, गुड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा में भगवान भोलेनाथ को मीठी वस्तुओं का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। केले का, सेब का, फलों का भोग भी हम लगा सकते हैं। बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र, इस तरह से हम भगवान भोलेनाथ को ये सारी वस्तुएँ चढ़ाते हैं। भगवान भोलेनाथ को यज्ञोपवीत अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। साथ ही हमें गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदीश्वर भगवान, नाग देवता सभी का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से पूजन करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा बहुत जल्दी ही प्राप्त होती है। भगवान प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनोवांछित फल देते हैं। बुध प्रदोष व्रत करने से शिव जी की कृपा तो प्राप्त होती है, साथ ही बुध ग्रह भी हमारा मजबूत होता है। कहा जाता है कि जिन दंपतियों को संतान रत्न की प्राप्ति करनी हो उन्हें बुध प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन प्रदोष काल में की गई शिव साधना संतान को हर कष्ट से बचाती है। बुध प्रदोष व्रत के दिन बच्चों की समृद्धि के लिए सुबह और शाम के समय भगवान गणेश के सामने हरी इलायची भी अर्पित करनी चाहिए और 27 बार ओम बुद्धि प्रदाय नमः मंत्र का जाप करें, नहीं तो आप ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि प्रदोष व्रत में नमक का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए, नमक और अनाज दोनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किंतु हम तो ये कहते हैं कि भक्ति सच्ची हो और अपनी पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ आपका शरीर जिस प्रकार सामर्थ्यवान हो उस प्रकार से भगवान का व्रत करना चाहिए। बस श्रद्धा और भक्ति, प्रेम सच्चा होना चाहिए। जो भी वस्तुएं आपके पास उपलब्ध हों आप उनसे भगवान का पूर्ण श्रद्धा से पूजन करें तो भगवान भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि वो प्रसन्न होकर शीघ्र अतिशीघ्र अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। साथ ही माता पार्वती को सिंदूर लगाना चाहिए, गणेश जी को भी सिंदूर लगाना चाहिए, कार्तिकेय जी, नंदीश्वर भगवान, नाग देवता को सिर्फ चंदन का ही लेप करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान को पुष्प आदि से श्रृंगार करके उनका अंत में आपको आरती करनी है। कथा सुन लीजिए, पहले भगवान का पूजन करना है, भोग लगाना है, उसके बाद कथा सुननी है। और कथा यदि आपके पास पुस्तक है तो आप अपने पुस्तक में कथा पढ़ सकते हैं और उसके बाद भगवान की आरती करनी चाहिए। आरती आपको जो भी सरल रूप से आती हो वो आरती आप बड़े ही प्रेम से करें, और हो सके तो प्रदोष व्रत का जो पूजन होता है ना शिव जी का, वो मंदिर में जाकर करें, बहुत ही उत्तम रहता है। अगर नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, मन में किसी तरह का भ्रम ना पालें, घर में ही अपना पूजन कर लें, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस प्रकार से हमने जो प्रदोष व्रत की जानकारी दी, यदि आपको थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य ही कीजिएगा। आपके लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत
और ताकत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, आज भी आप भूल गए लाइक करना, लाइक कर दीजिए जल्दी से, आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक खुशी मिलती है। तो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की, राधे राधे।